प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एप। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शेरनियां, दो मुस्लिम बेटियां, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में रह रहे जिहादियों को भी जम के उधेड़ेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं आपके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है नाजिया लाई खान। बहुत स्वागत है नाजिया आपका, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम और भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाजिया, भारत में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव चल रहे हैं तो विपक्ष में भी काफी हड़कंप मची हुई है। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, इनफैक्ट पूरा ही इंडिया अलायंस जो है काफी घबराया हुआ है मोदी जी की जो तीसरी टर्म है जो आने वाली है उसको लेकर। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसकी जो आंच है वो कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के संसद में भी घबराहट देखी जा सकती है। इमरान खान की पार्टी की सांसद, पीटीआई सांसद दरताज गुल, वो काफी परेशान नजर आए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर, मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके उसी पे हम चर्चा करेंगे। दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे साउथ से बहुत ज्यादा, मुझे अफसोस है, पाकिस्तान सूख जाएगा, आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है, 207 मेगावाट के करीब वो बिजली बना रहा है। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं, इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं, हमें अपने गरेबानों में झांकना है। बीजेपी का कहना कि 400 सीटें मिल जाएंगी, इट्स वेरी पॉसिबल। तो ये कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स नाजिया हमने देखे जिन्होंने बात की किस तरह से भारत में प्रधानमंत्री मोदी अगर आते हैं तो किस तरह के हालात पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकते हैं। जरताज कुल उनमें से एक है जो पीटीआई की सांसद है, इमरान खान की पार्टी की। इससे पहले मौलाना फजल रहमान को भी हमने बीते कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरह से इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और हम आज भी भीख मांग रहे हैं कि हम किस तरह से कर्जा मिल जाए, कर्जा चुकाने के लिए हमें भीख मिल जाए। किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो परेशानी है मोदी जी की तीसरी टर्म को लेकर? सबसे पहले तो कहूंगी कि अंबर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हुआ दो चुनाव का राउंड और पाकिस्तान लगा, पाकिस्तान में मचा छाती पीटने का साउंड, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और मुझे इकबाल साहब के ग्रैंड सन की बात याद आ गई। इकबाल साहब के जो पोते थे, ग्रैंड सन, वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि देखा, हम मुसलमानों ने पाकिस्तान बना दिया। तो जो एंकर थे उन्होंने उसको टोका, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया है, जरा सही से इतिहास के पन्नों को उठाइए तो, और जरा समझ के बताइए तो कि मुसलमानों ने बनाया है पाकिस्तान को। तब एंकर ने उनको करेक्शन किया कि भाई एटली तो कह चुके थे कि सिर्फ पंजाब और बंगाल जो है वो दे दिए, वो मुसलमानों का लोकल ऑटोनॉमी है, वो दे दिए, वो उसको अलग कर दिया जाए, इसके अलावा बंटवारा नहीं होगा, डिफेंस एक रहेगा, आर्मी एक रहेगी, पार्लियामेंट एक रहेगा, सर्वोच्च न्यायपालिका एक रहेगा, सब कुछ एक रहेगा, प्रधानमंत्री एक रहेगा। ये तो नेहरू और गांधी ने कहा कि भैया जिन्ना को साइड करना है इसलिए इसको पाकिस्तान दे करके यहां से चलता बनता करो, तो ये तो हिंदुओं ने बनाया, गांधी और नेहरू ने बना करके दिया पाकिस्तान को। देखिए अंबर, बहुत अफसोस की बात है कि भारत का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो, आज तक कुछ नहीं कर पाया है, कुछ भी नहीं बना पाया है। तोड़ना आता है, बर्बाद करना आता है, नेस्त नाबूद करना आता है, खत्म करना आता है, बहुत बुरे तरीके से किसी चीज को बर्बाद करके डेविस्टेट करना आता है मुसलमानों को।
लेकिन मुसलमान कभी भी कुछ अच्छा बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान में ही आप देखिए कि असदुद्दीन अवैसी फिर से बाबरी मस्जिद की बात उठा करके लेकर आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी कभी बाबरी मस्जिद गया भी नहीं होगा नमाज पढ़ने के लिए, और जब ये मामला चल रहा था तो कोई दो नमाजी भी वहां पर टोपी पहन करके, जाली टोपी पहन करके जाता नहीं था। और असदुद्दीन अवैसी को वाकई में अगर मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का ही नहीं बना देता है। भाई राम मंदिर तो हिंदुओं ने ही बनवाया ना डोनेशन से, कोई सरकार ने तो, भैया सरकार के किसी अब्बा ने तो पैसा दे नहीं दिया था राम मंदिर को बनाने के लिए, ये तो सनातनियों ने बनाया, तो बुखारी और असदुद्दीन अवैसी क्यों नहीं बना देता है? देखिए पाकिस्तान को अंबर कोई नहीं संभाल सकता है, कोई नहीं संभाल सकता है, क्योंकि वो मुकम्मल प्रॉपर तरीके से मुसलमानों के हाथ में है, और मुसलमानों का दिमाग जंगजू आतंकी जिहादी टाइप से ही रहता है। अच्छा नवाज शरीफ को ये चीज समझ में आ चुकी है कि अब नवाज शरीफ को गरियाया जाएगा, वो मरियम चाहे जितना भी मेकअप पॉलिश करके आ जाए, जितने भी महंगे कपड़े पहन करके आ जाए, जितनी भी छमिया बन करके सऊदी अरब चले जाए, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जिस तरह से अरब के लोगों पर इन्होंने एक अपना एक यकीन बना करके रखा था कि शायद अरब वाले तो हमको कुछ ना कुछ मदद कर ही देंगे, और जो मुंह तोड़ जवाब अरब में मिला है इनको, मुंह तोड़ जवाब कि भैया कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि पीओके के बारे में जब बात कर रहे हो तो हमसे बात मत करो, जिनसे बात करनी है उनके साथ जाकर के बैठ करके करो, हमें बीच में मत लाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं है, कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है खुद की इकोनॉमी को, खुद के हालात को ठीक करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक गूंज उठ रही है, जैसे आपने एक वीडियो दिखाया अभी पार्लियामेंट में, एक महिला जो है वो कह रही है कि हम भारत के जो किसान है वो खुशहाली में रहेंगे और पाकिस्तान के किसान जो है वो रोएंगे, तो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जब हम लोग पब्लिक रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के युवा खड़े होकर के बोलते हैं कि किसी भी चीज पर यकीन ना करके सिर्फ अल्लाह पर यकीन किया जाए, इस्लाम पर यकीन किया जाए, तो क्या अल्लाह और इस्लाम पर भी इनका यकीन छूट चुका है जो इनके किसान रोएंगे, जो ये भीख मांग रहे हैं, जो ये इकोनॉमिकली इतने ज्यादा खत्म हो चुके हैं, रुइन हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं? अगर अगर पाकिस्तान इस्लाम मानता है, अल कुरान मानता है, प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है, उनके उसूलों पर चलता है, तो फिर पाकिस्तान इतना बर्बाद क्यों हो रहा है? तब तो नहीं होना चाहिए। जो जो व्यक्ति ये बार बार, जो शख्स बार बार पाकिस्तान की सरजमीन पर हर कोई ये कह रहा है कि इस्लाम सबसे बड़ा है, हम मुसलमान ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत की आर्मी को हम खत्म कर देंगे अगर वो हमसे जंगे लड़ने आएंगे, तो ये बेवकूफी वाली बात में भी अगर वो रहना चाहते हैं तो ये सवाल का जवाब तो वो अल्लाह से मांगे कि वो भूखे क्यों मर रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, पाकिस्तान के लोगों के हाथ में भीख का कटोरा क्यों आ गया है, ये तो अल्लाह से उनको सवाल करना चाहिए। देखिए नहरें रोक देंगे हमारी है भाई, हम तो रोकेंगे ही क्यों, अंबर मैं गलत बोल रही हूँ क्या? हमारी है, हम रोकेंगे, आप होते कौन है बोलने वाले? हमारे जो हमारा बॉर्डर का जगह है वहां पर अरब के काफी सारे आर्मी को ट्रेन किया जा रहा था, तब भी पाकिस्तान छाती पीट रहा था कि क्या बताना चाह रहा है भारत अरब के लोगों को ट्रेन करके हम बॉर्डर पर। अरे हमारा बॉर्डर है, तुम्हारी क्यों छाती जल रही है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम अपने यहाँ हाफिज सईद पालते हो, तुम लश्कर ए तैबा पालते हो, तुम अजमुल मुजाहिदीन पालते हो, तुम उसामा बिन लादेन को रखते हो, तुम हाफिज सईद को रखते हो, तुम दाऊद इब्राहिम को रखते हो, तुम उसके उसके जो समधी है उसको रखते हो, तुम्हारे यहाँ तो पूरा गढ़ है जिहादियों का, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है, हम तो नहीं बोल रहे, हम यूएन में जाकर के बोलते हैं कि भाई जो भी देश टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को पालता है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अंबर के भारत को कभी भी इनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान गिरगिट की तरह। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िला खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बिल्कुल एकदम सही कहा नाज़िला खान जी ने कि जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों की वजह से नहीं, कुछ सेकुलर हिंदुओं की वजह से बना था, जो आज भी हमारे देश में मौजूद है। और दूसरी ओर आपने देखा कि कैसे इन दोनों बहादुर बेटियों ने मिलकर
पाकिस्तान को जमके उधेड़ा और भारत में रह रहे जिहादी या फिर कहीं मजहब के ठेकेदार ओवैसी जैसे उनको भी आड़े हाथों लिया। बाकी जैसे नाज़िया अली खान जी ने अपने दमदार तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया कि ये जमीन हमारी है, भारत चाहे कुछ भी करे, भारत चाहे इस पर डैम बनाए या पानी रोके, ये भारत की मर्जी है और पाकिस्तान ऐसा बेवकूफ है जो खुद यूनाइटेड नेशंस में जाके पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत से अज्ञात हमलावर आके पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगी कि पाकिस्तान खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।